अस्सलाम वालेकुम अंजुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम नदीम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैंने कहा आज हम बात करें जरा ऑस्टेरिटी की, पर मुझे उर्दू में पता नहीं ऑस्टेरिटी को क्या कहते हैं। आप जरा कुछ बताइए, उर्दू में क्या मतलब होता है इसका? उर्दू में कोई सीधा साधा लफ्ज तो नहीं है, मगर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अपने अखराजात जो हैं उनको कम रखा जाए। नहीं, ये तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। अब यूरोप में वो लोग कहते हैं बहुत गंदी बात है ऑस्टेरिटी, उसको तो बड़ी गालियां पड़ रही ऑस्टेरिटी को, तो आप कह रहे हैं कि हाँ, अच्छी बात है। हाँ, वो तो इसलिए ना कि ऑस्टेरिटी एक खानदान की सतह पर मुख्तलिफ चीज है और पूरे मुल्क की सतह पर उसके नतायज जो होते हैं वो काफी फर्क होते हैं। नहीं, मैं आपसे अग्री नहीं कर, देखिये अब इवन आपके घर में अगर एक एक लेट्स से एक कोई खानदान है और वहां वो पैसे बचाने की खातिर कफायतशवारी कह लें, कफायतशवारी एक लफ्ज होता है ना जिसको कहते हैं पैसे बचाना, ठीक है, वो कफायतशवारी की खातिर बच्चों को स्कूल ना भेजे, ठीक है, या वो अपने जनाब जो घर के बिजली का निजाम है उसको बंद कर दे क्योंकि हमने पैसे बचाने हैं, ठीक है, या कि वो ये करे कि भाई हमने तो जो खाना है उसमें सिर्फ हमने डबल रोटी खानी है, बाकी कोई चीजें खानी नहीं ताकि मेल न्यूट्रिशन भी हो जाए साथ, तो ये तो कोई अच्छी कफायतशवारी ना हुई। नहीं, तो कफायतशवारी का ये मतलब तो नहीं है कि बेवकूफी तो नहीं है ना? नहीं, तो मेरा मतलब जो यूरोप में हो रहा है जो उसको जरा गौर करें, वो क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई आपका कर्जा बढ़ गया है, आपके फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, तो आप इस तरह करें कि अपने खर्चे कम करें, चाहे जिस तरह मर्जी हो, बड़ा धड़ खर्चे कम करें, ठीक है। हाँ, इसका मतलब एजुकेशन के खर्चे काटते हैं, इसका मतलब हेल्थ के खर्चे काटते हैं, इसका मतलब है कि हाँ, आप जनाब बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने धंधों में जाने दें और अपने खर्चे काट दी जाए और साथ साथ टैक्स बढ़ाते जाए क्योंकि आपने फिस्कल डेफिसिट कम करना और अपना डेट खत्म करना है। क्या ये ऑस्टेरिटी नहीं है? नहीं, ये तो है, मगर ये वो मुल्क खुद तो नहीं कह रहे कि हम ये कर रहे हैं, ये तो वो कह रहे हैं जिन्होंने उनको कर्जे दिए हुए हैं और अपने कर्जे वापस लेना चाहते हैं, तो वो उनकी जो है पेटी कस रहे हैं ना। अच्छा, तो क्या हमारे मुल्क में निजाम ऐसा नहीं है? अब बजट का वक्त आ रहा है, क्या हमारा निजाम ये है कि नहीं है, बताइए। हमारा निजाम तो नदीम ऐसा है कि हमने तो कभी लोगों पे खर्च किया ही नहीं है, तो हमें ऑस्टेरिटी का पता ही नहीं चलता। आप दूसरी तरफ चले गए, आप कहते हैं हमने कभी लोगों पे खर्च ही नहीं किया। हाँ, उतारा बिल्कुल, हमने क्या बताओ, हमने तालीम पे सेहत पे क्या खर्च किया है जो हम और इतने स्कूल बना दिए, लैपटॉप बांटे, हमने सब कुछ किया, आप कहते हैं लोगों पे खर्चा ही नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हमने बना दिया, अब दुनिया में बेहतरीन सबसे, और आप कह रहे हैं लोगों पे खर्चा ही? कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाई है? जी जो इतनी सारी मेट्रो बसेस बन रही है अंजुम, आपको नजर नहीं आ रही? हाँ, तो हम लोगों पे खर्च रहे हैं ना। हाँ, खर्च रहे हैं, मगर तुम हिंदुस्तान को देखो कि वहां छोटे छोटे शहरों में अंडरग्राउंड मेट्रो बन गई है, तो हम तो दुनिया से कितने पीछे रह गए हैं। कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है? हम अब बनानी शुरू कर रहे हैं? नहीं, अब ये तो कह रहा है कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है, मतलब वो तो चले चले उसको छोड़े, मुझे एक बात बताएं कि मैं तो सिर्फ ये केस बिल्ड करना चाह रहा हूं कि हमने भी अपने मुल्क में ऑस्टेरिटी फॉलो की है पिछले 30-40 सालों से। हम कोई 30-40 साल पहले हमने अपना कर्जा बढ़ा लिया, डेफिसिट बढ़ा लिए, अब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ गिर गई, तो उसकी वजह से यह हुआ कि हम IMF के पास चले गए, हमने कहा खुदारा हमारी मदद करो, और फिर उसके बाद हमारे दूसरे तीसरे साल IMF के पास जाते रहे। IMF एक दुनिया के इमरजेंसी बोर्ड है, ठीक है ना जी। जब आप इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है, इमरजेंसी वार्ड में वो आपको चलता फिरता कर देते हैं, कोई थोड़ी मलम पट्टी कर देते हैं, कोई थोड़ा बहुत आपका निजाम चला देते हैं, फिर कहते हैं बाहर जाओ किसी और डॉक्टर से इलाज कराओ, ठीक है। IMF जब इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं तो IMF कहता है भाई खर्चा कम करो, भाई टैक्स बढ़ाओ, भाई अपना वो क्या कहते हैं कर्जा कम करो, ठीक है ना जी। तो हम इस निजाम में फंसे हुए पिछले 30-40 साल से। अब हमने क्या किया है, हमने जनाब कोशिश कर करके हर साल के हमने डेफिसिट गिराने, आपने सुना होगा, मैं तो पिछले 40 साल से सुन रहा हूं कि हमने डेफिसिट 4% पे ऑफ GDP पे लेके आना है, 3% ऑफ GDP पे लेके आना है, यानी कि GDP का 3% या 4% हमने डेफिसिट का टारगेट बनाया, ठीक है, और वो हम कोशिश करते हैं उस टारगेट को अचीव करने की। और वो कैसे करते हैं? नंबर एक तो हम टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, हमें बड़ी शदीद जरूरत है टैक्स बढ़ाने की, हमें बड़ा शौक है टैक्स बढ़ाने का, ठीक है, हमें बहुत ही शौक है टैक्स बढ़ाने का, हम हर चीज को टैक्स लगा देते हैं, हमें टैक्स का निजाम नहीं है, ज़राअत पे तो नहीं लगाते जी, ज़राअत पे तो हम टैक्स नहीं लगाते हैं।
नहीं अब वो मेरा मतलब आप ज्यादा करते ना, बेचारे गरीब किसान उनके ऊपर टैक्स लगेगा। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या आप सोच रहे कि वो लैंडलॉर्ड पे लगना चाहिए? तो नहीं तो गरीब गरीब लोगों पे तो विदहोल्डिंग टैक्स लगा लगा के पैसे जमा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है चले आपकी बात मान जाए। तो एग्रीकल्चर को हमने एग्जेम्पशन दी हुई, आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, जरूर लगना चाहिए एग्रीकल्चर पे। और वो किस पे नहीं लग रहा, वो माशाल्लाह बड़े बड़े किसानों पे ही लग रहा है, गरीब बेचारा तो फिर भी देता रहता है, ठीक है ना। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसके हमने वो तो नहीं काम करना। फिर ये है कि माशाल्लाह पार्लियामेंट में बड़े बड़े अमीर लोग बैठे हुए हैं जिनके टैक्स के वो क्या कहते हैं फॉर्म सारों ने बाहर निकाल दिया, हमें पता चल गया वो टैक्स नहीं देते, उनको तो हम पकड़ते नहीं है, उनको तो हमने पकड़ते नहीं है, ठीक है। पर हमने ये निजाम बना दिया कि हमने हर चीज पे विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया है। विदहोल्डिंग का मतलब कि हमने उसे कहा भाई तेरी तेरा ये इनकम टैक्स है हम अभी ले लेते हैं, तुझे बाद में वापस कर देंगे। पर बाद में वापस तो करते कोई नहीं, 600 बिलियन के वो विदहोल्डिंग टैक्सेस पकड़ के बैठे हुए, वापस नहीं किसी को करते, ठीक है ना जी। अच्छा उस ज्यादातर लोग तो वो हैं जो मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड से ही नीचे हैं, वो बेचारे फाइल ही नहीं करते तो उन्हें वापस कैसे मिलेगा। ज्यादातर वो लोग हैं, वो गरीब लोग हैं जिनके लिए आपके दिल में हमेशा दर्द रहता है, वो बेचारे टैक्स दे रहे हैं। और ठीक है अगर वो वोट करते हैं तो फिर टैक्स भी दे ना, ठीक है ना, चले वो भी मान लेता हूं उसकी बात। अब ये कि हमने फिर हर चीज पे भी लगा दिया टैक्स, हमने जनाब साहब इंटरनेट पे भी लगा दिया, हमने स्कूल की फीस पे भी लगा दिया, हमने जनाब ले दे के टेलीफोन पे भी लगा दिया, बिजली पे भी लगा दिया, पता नहीं कोई चीज हमने बैंक बच्चों के बैंक से पैसे निकालने पे लगा दिए जी, बैंक से पैसे निकालने पे भी लगा दिए भी लगा दिया। तो एक इस किस्म का निजाम है जो आपको याद होगा जब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी वो कहते थे कि टैक्स का निजाम बड़ा सिंपल होना चाहिए और वो जो कीमतें हैं एक कार की कीमत और साइकिल की कीमत में फर्क ना डाले, इन द सेंस कि वो एक उनकी एक एक बनता है हिसाब, रिलेटिव प्राइस बनती है, उसको चेंज ना करें, ठीक है ना। हर रिलेटिव प्राइस जो सी मार्केट डिटरमिन करती है उसको वैसे ही रहने दो, उसको छेड़े ना। पर हमने तो सारा निजाम तो चले, तो उससे क्या होता है, उससे आपका ख्याल है जीडीपी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है ना। तो जीडीपी ग्रोथ तो इससे गिरेगी, नेगेटिव होगी। और दूसरी चीज ये कि हर बजट के बाद ये शुरू हो जाता है आप किस पे टैक्स लगाने हैं, बल्कि बजट के बीच में भी साल में 3-4 दफा नए टैक्स लगते हैं। मिनी बजट आ जाता है, इसका मतलब जो बेचारा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो तो कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। बिकॉज वो बेचारा बंदा अनसर्टनिटी में रहता है कि यार ये टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। अब कुछ लोगों ने जमीनों का कारोबार किया था, अब इस साल उन्होंने जमीनों का कारोबार भी बर्बाद कर दिया टैक्स लगा, ठीक है ना जी। तो इसका जीडीपी ग्रोथ पे असर पड़ता है, फिर एम्प्लॉयमेंट गिर जाती है। जब एम्प्लॉयमेंट गिर जाती है तो हमारी माशाल्लाह जो नौजवान पॉपुलेशन है उन बेचारों को नौकरी नहीं मिलती। तो ये कितना अजीब निजाम है, क्या ये ऑस्टेरिटी नहीं है? नहीं ऑस्टेरिटी भी है और नदीम ये सरासर नाअकली भी है, क्योंकि बजट पे ऐसा समझ आता है कि जैसे टैक्स का मकसद सिर्फ पैसे जमा करना है, ये बिल्कुल फरामोश कर देते हैं कि टैक्स का डिस्टॉर्शन जो होती है उससे रिलेटिव डिस्टॉर्शंस वो सब डिसीजन मेकिंग जो है उसको तितर बितर कर देती हैं। बड़ी ठीक बात, एक तो यानी कि जो प्राइस का निजाम होता है जो कीमतों का निजाम है जिसके अंदर ये कीमत है कि जी पानी की और कोका कोला की और जनाब वो डीजल की और पेट्रोल कॉफी की जो एक 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 किस्म का इम्तजाज एक किस्म का निजाम बना हुआ है, ठीक है, उसको अगर आपने चाय पे ज्यादा टैक्स लगा दिया लोग पानी की तरफ भागेंगे, अगर आपने उधर टैक्स कॉफी पे ज्यादा लगा दिया तो लोग शीशे की तरफ भागेंगे, ठीक है। और उसके अलावा रदीम इसका स्मगलिंग से कितना ताल्लुक है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप किसी चीज को टैक्स बढ़ा देंगे तो वो स्मगल होकर आनी शुरू हो जाएगी, बल्कि आप और मैं वो लेंगे क्योंकि भाई हमें चाहिए पैसे बचाने, तो भाई चोरी हमने भी तो करनी है ना, हमने भी तो पैसे बचाने हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये तो एक एज आपने कहा, मैंने नहीं लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने कहा बड़ा अहमकाना निजाम है, नहीं मतलब मेरे साथ पे क्यों डाल रहे हो ये, आपने आपकी क्लास में नहीं पढ़े थे ये लोग जो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आपका कसूर नहीं है कि आपने ऐसे लोग पैदा किए? चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ। अच्छा चले आगे चले, ये तो हमने टैक्स का देखा, इन्होंने टैक्स से इकोनॉमी को मार दिया। और एक और चीज जल्दी से कह, अमेरिका में जब उन्होंने
ग्रोथ बढ़ानी होती है, जब उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ानी होती है, जब उन्होंने एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी होती है, वो क्या करते हैं, वो टैक्स को काटते हैं, कम कर देते हैं, है? हम उल्टा जाते हैं, हम टैक्स को बढ़ाते हैं, हमने जब आमदनी बढ़ानी हो अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, हम टैक्स को बढ़ाते हैं। अंजुम, ये कोई इकोनॉमी क्या है? नहीं, वो नदीम यही बात है ना कि हमको ये चीज समझ में नहीं आती कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज भी किसी चीज के होते हैं। ये तो मेरा ख्याल इंटेंडेड लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है, ये बगैर सोचे समझे जो काम करते हैं ना आफ्टर ये बजट जो बनाते हैं। खैर चले छोड़े इसको, हमने बजट को भी प्रोग्राम कर दिया है, क्या हो सकता है, कोई बात नहीं। चले, ये तो एक उन्होंने टैक्स बनाया। अब दूसरी तरफ आ जाए, एक्सपेंडिचर की तरफ देखें आप। अब एक्सपेंडिचर में ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब कि इनको मुसीबत पड़ती है एक्सपेंडिचर, तो ये पहली चीज क्या काटते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर काटते हैं। ठीक है ना, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मैंने देखा है पिछले कोई 30 साल में, मेरा ख्याल तकरीबन 15 या 20 साल तो कटा होगा। शुरू साल में कहते हैं कि जनाब इतना होगा, 400 बिलियन होगा, एंड में जाके कहते हैं नहीं जी हम तो 300 या 200 खर्चेंगे। तो नदीम उसकी वजह ये कि वो डिस्क्रेशनरी आइटम वो एक ही है ना, बाकी तो चीज काट नहीं सकते हैं, कर्जे वापस करने हैं, फौज के पैसे देने हैं, तनख्वाहें देनी है, तो नहीं नहीं एक और भी है, एक और भी डिस्क्रेशनरी आइटम। मुझे याद है कि फाइनेंस मिनिस्टर जब मैं हुकूमत में था उससे पहले शौकत अजीज साहब भी सब ये कहते थे कि हम कितने कफायतशवार लोग हैं, वो ऑस्टेरिटी को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते थे। मुझे याद है उनके बयान थे कि हम कितने ऑस्टेरिटी वाला बजट लेके आए हैं, कि हमने खर्चे बढ़ाने, हमने खर्चे इस साल पिछले साल के खर्चे के बराबर रख लिए, या इस साल 5% काट देंगे। ठीक है, तो ये मैंने कई फाइनेंस मिनिस्टर को देखा है, उन्होंने बड़ी क्या कहते हैं फखर से ये कहा कि हमने इस साल ऑस्टेरिटी का बजट लेके, अपनी तकरीर में कहा कि हम ऑस्टेरिटी का बजट लेके आए हैं, कि हमने इस साल एक्सपेंडिचर बढ़ने ही नहीं देने। अब जरा गौर करें इसकी क्या होती है इम्प्लीकेशन, इससे क्या असर होता है। अगर एक्सपेंडिचर सारे रोक दे तो आप बताइए क्या होता है। हाँ, तो बस फिर इन्वेस्टमेंट भी ना करें, और वो जब आबादी बढ़ती जाएगी तो हर चीज उसको फिर मेंटेनेंस भी ना करें तो सब चीजें तबाह हो जाएंगी। असल चीज ये होती है, दोबारा ठेके ठीक करें, मेंटेनेंस खत्म हो जाती है। देखिए ना, मसला ये है कि तनख्वाहें तो आपने देनी देनी है, तनख्वाह तो आप रोक ही नहीं सकते। ठीक है, आपको याद है 3-4 साल तो उनको भी दे रहे हैं जो कि पैदा ही कभी नहीं हुए, वो तो खैर उसको छोड़ देना। अभी पॉइंट ये, जो तनख्वाहें बदी हुई हैं वो तो देनी है ना आपने। ठीक है, मुझे याद है 4-5 साल पहले जब हमने ऑस्टेरिटी का बजट फॉलो किया था, जब सारे खर्चे रोक दिए गए थे, तो एक रेलवे का पेंशनर था जो बेचारा, उसको पेंशन नहीं मिल रही थी, वो गर्मी में खड़ा होकर धूप में मर भी गया क्योंकि इन्होंने पेंशनें रोकी हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, अब वो तो खैर एक तरफ था, पर दूसरी तरफ ये होता है कि रेलवे, जब रेलवे को ले रहे, उसको एग्जांपल ले लेते, वो जब तनख्वाहें पूरी कर लेते तो उनके पास, बिकॉज आपने एक्सपेंडिचर की सीलिंग लगा दी, ऊपर आप बढ़ने नहीं देते, इन्फ्लेशन नीचे से आ रही है, तनख्वाह तो वैसे बढ़ रही है इन्फ्लेशन के साथ साथ, व्हाटएवर, तो जो उनके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रह जाते हैं वो कम से कम आते हैं। जब ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स कम होते हैं तो पहली चीज जो काटते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, ताकि रेलवे के फॉर एग्जांपल सिग्नलिंग हुई, ट्रैक हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, सब कुछ फिर मेंटेन नहीं होते, वो खराब तर होते जाते हैं। और आप देख लें अभी रेलवे की क्या हालत है, फॉर एग्जांपल पीआईए की क्या हालत है। इसी तरह स्कूलों में चले जाएं तो वो जनाब लाइब्रेरी की किताबें बंद हो जाती हैं, वो जनाब ब्लैक बोर्ड वगैरह चीजें गिर जाती हैं, टीचरों की बस तनख्वाह रह जाती है। ये क्लासिक ऑस्टेरिटी बजट है जो यूरोप में देखा गया, हर जगह ऐसे हो रहा है जहां जहां इस तरीके की पॉलिसी फॉलो की गई है। हमारे मुल्क में तो 40 साल से ये हो रहा है। ठीक है ना, वो पैसे काटी जाते हैं और जनाब ले दे के आपके पास इदारा चलाने के लिए पैसे नहीं रहते, सिर्फ तनख्वाहों के लिए पैसे रह जाते हैं। इदारों को आप काटते भी नहीं, कई इदारे फालतू पड़े उनको काटना भी नहीं आपने, कई मिनिस्ट्रियां फालतू पड़ी उनको काटना भी नहीं आपने। ठीक है ना, जिसको आप कहते थे वर्ल्ड बैंक एक्सपेंडिचर रिव्यू, वो तो हम कभी करते ही नहीं। एक्सपेंडिचर रिव्यू बताइए ना क्या होता है। बिल्कुल, पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू यही होता है ना कि आप ये देखें कि पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं और उस पैसे के एवज आपको क्या वसूल हो रहा है और कहाँ पे आप जो है कौन सी चीजें जिनको आप
घटा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कहां पैसे लगाने खत्म करें, है ना। हाँ बिल्कुल, मेंटेनेंस ठीक करें, यू नो अपना जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी का कॉस्ट है उसको ठीक करें, ठीक। हाँ ये तो हमने कभी किया ही नहीं। हाँ ठीक है, तो अब बताइए ये आपकी एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, वो आपकी टैक्स पॉलिसी थी जो हमने पहले डिस्कस की, दोनों का मकसद एक ही तरफ है कि किसी तरीके से जीडीपी का बढ़ावा करें। हाँ उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को भी कम करें, ठीक है। हाँ इसके साथ साथ क्या होता है, मैं आपको बताऊं जो एक और चीज जो हमने पिछले साल वो बजट के वक्त की बात की थी कि देखिए होता यह है कि जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने टारगेट मीट करने की कोशिश करती है तो उसको समझ नहीं आती कि क्या करे, और हुकूमत के जो उसके हुक्मरान हैं वो इधर उधर खर्चा कर देते हैं जायज अपने पैसे, तो वो फिर हाथ रोकने की कोशिश करती है। हाथ रोकने की कोशिश ये करती है कि वो जो पैसे देने होते हैं, मतलब जो बजट जब बनता है तो कहते हैं कि हमने लेट से एजुकेशन को देने हैं 1 बिलियन रुपया, ठीक है। तो दैट मीन कि हर महीने आपने तकरीबन 90 करोड़ उसको देना है, एजुकेशन को हर महीने तकरीबन 90 करोड़ आपने देना है अगर 1 बिलियन, ठीक है ना, या सॉरी 9 करोड़ हिसाब लगा लिया आप, तो अगर 9 करोड़ हर महीने देने हैं आप उसको रोक दें, इस महीने में दूंगा अगले महीने दूंगा या 3 महीने बाद, तो होता क्या है वो उनका निजाम और बिगड़ जाता है। इसी तरह डेवलपमेंट बजट में जनाब हर साल ये पैसे रोक रोक के, जब रोक देते तो होता क्या है कि जनाब वो जो प्रोजेक्ट जो खत्म होना था लेट से 2017 में वो अब 2022 में खत्म होगा, बट जब वो 2022 में खत्म होगा तो उसके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको आपने पैसे देने थे, जिनको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी अपने वो फाइन्स मांगेंगे कि भाई हमारा काम तो हो गया हमें दें। हाँ वो सब कुछ भी आपको साथ साथ देना पड़ेगा। हाँ ठीक, तो अब देखते हैं क्या ये निजाम कितना अजीब किसको निजाम है, हमें इसमें किस तरह फंसेंगे। हाँ बिल्कुल, वो इतना अजीब निजाम है कि अब वो हमें नॉर्मल लगने लग गया है ना। और फिर ये होता है कि ये निजाम सब फिर वो कहते हैं हमारा खसारा बढ़ गया है, डेफिसिट बढ़ गया है। वो डेफिसिट बढ़ गया भाई, आपने अपनी बाकी लाइबिलिटीज खत्म कर दी है तो वो डेफिसिट तो और आगे बढ़ना है। हाँ ठीक है, जबकि फॉर एग्जाम्पल रेलवे नहीं ठीक चल रही उसका नुकसान फिर डेफिसिट में आना है आगे को। बिल्कुल, जबकि एजुकेशन ठीक नहीं हो रही तो उसका जो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का वो आगे आपके जीडीपी आने में आना। हाँ जबकि आपके मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स सब इदारों में नहीं हो रहे तो वो आगे आके बढ़ चढ़ के आपके सामने आएंगे क्योंकि चीजें डिप्रिशिएट हो जाएंगी। हाँ ठीक है, तो ये तो अपना आगे का निजाम भी खराब कर रहे हैं कि नहीं। हाँ ठीक है ना, और मैं ये कहता चलूंगी ये नहीं कि ये एक ये हुकूमत कर रही है, ये हर हुकूमत ने किया है पिछले 40 साल में, तो ये किसी के खिलाफ बात नहीं है, किसी के फेवर में बात नहीं है। मार्शल लॉ ने भी किया, इन लोगों ने भी किया, सब ने किया। हाँ मगर ये जो अब फ्रांस में आया मैक्रॉन, ये कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा। नहीं वो तो कह रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं लोग, हम तो सोच नहीं रहे अंजुम। बिल्कुल, आप स्कूलों में क्या पढ़ाते रहे हैं, आप क्या पढ़ाते रहे हैं यूनिवर्सिटी में, हम तो नहीं सोच रहे ना। नहीं ठीक है ना, अब मसला ये है कि आप मुझे बताएं फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन, ये वो वगैरह, कौन वहां इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं FBR में या इन इदारों में जो कि रिसर्च कर रहे हैं, इस चीज पे बात कर रहे हैं, इस चीज पे सोच रहे हैं, है ना। वो इदारों में तो रिसर्च की ट्रेडिशन ही नहीं है ना। अच्छा वो भी एक और चीज है जो वो भी हमने तो रिसर्च से जो पैसा होता था पहले जो 5-year plan बनता था हमने काट दिया। हाँ अब हमारे पास कोई रिसर्च की कैपेसिटी नहीं रही और हुकूमत एक पैसा रिसर्च पे नहीं खर्चती। हाँ ठीक है, ऑस्टेरिटी में एक और चीज आती है आपकी कफायतशवारी जो है कि जो हुकूमतें ऑस्टेरिटी की पॉलिसीज फॉलो करती हैं वो 2-3 चीजें बड़ी जल्दी काटती हैं, वो सोच का निजाम खत्म कर देती हैं। हाँ। वो मेंटेनेंस का निजाम खत्म कर देती हैं, ठीक है। हाँ। वो कैपिटल एक्यूमुलेशन का निजाम खत्म कर देती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सोच चलाने का बनाने का निजाम खत्म कर देती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने तो देखा हमारे यहां हो रहा है। हाँ मगर नदीम इसमें कुछ लोगों का फायदा भी है ना, मतलब ये कि अगर आप मेंटेनेंस का निजाम खत्म कर दें तो जो सड़क जिसको 50 साल करना चाहिए था, रहना चाहिए था, वो 3-4 साल में टूट जाती है, उसका फिर नया ठेका दे देते हैं। ये भी है पर वो तो ठेका ले लेते हैं पर कौम को तो नुकसान हो जाता है ना। कौम तो अच्छा, कौम को नुकसान मगर इकोनॉमिक्स में कौम का तो कोई नहीं सोचता ना। इकोनॉमिक्स में तो लोग अपना मुनाफा जो है उसका सोचते हैं। नहीं देखिए ना,
हुकूमत को तो सोचना चाहिए ना, हुकूमत में अगर अच्छे बंदे हों, तहकीक करने वाले, सोचने वाले, मॉनिटर करने वाले, एवेल्युएट करने वाले, तो वो फिर ये चीजें समझेंगे, सोचेंगे, आगे लेके आएंगे, सबने हमें बताएंगे, है कि नहीं? पर हमने तो वो निजाम खत्म कर दिया ना ऑस्टेरिटी में। दूसरी चीज फिर ये है कि ये लोग देखते हैं, हमारे जो डोनर लोग हजरात आते हैं वो कहते हैं भाई आपका डेट जीडीपी रेशियो बढ़ गया। अब हमारा डेट जीडीपी रेशियो, डेट और जीडीपी का जो रेशियो है, इसको कैसे उर्दू में कहना चाहिए, इस तरह कह दो चले ठीक है। तो अब हमारा वो 70% के लगभग हो गया, बड़ा शोर मच रहा है, ओए होए इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया, इसको कम करें, और हुकूमत जनाब धड़ाधड़ बाहर से पैसे दे रही है। ठीक है, जब आपका खसारा होगा तो लेना ही पड़ता। तो अब सारे निजाम मिलेंगे डेट को कम करें। अब अगर डेट को कम करना है तो फिर आपको ऑस्टेरिटी पॉलिसी भी लगा के डेट को कम करना पड़ेगा ना, है ना? और क्या तरीका? नहीं, मतलब ये कि आप अपना जीडीपी भी बढ़ा सकते हैं। ये असली बात है कि आप ग्रोथ को बढ़ाएं, ग्रोथ को बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं? वो तो हम उस पर तो सोचते ही नहीं, हम उस तरफ तो बात ही नहीं करते। हम तो बार बार एक ही चीज कहते हैं, डेफिसिट कम करो, डेफिसिट कम करो, टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ, डेफिसिट कम करो। हमारे नारे अगर आप हमारे किसी फाइनेंस मिनिस्टर को सुने, सिर्फ डार साहब को नहीं, पीछे चले जाए, हर फाइनेंस मिनिस्टर एक ही बात करता है कि डेफिसिट घटाओ, डेट घटाओ, टैक्स बढ़ाओ। ग्रोथ की बात ही नहीं करते, बल्कि उल्टा प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया फाइनेंस मिनिस्टरों ने कि ये चाहिए ही नहीं हमें, ग्रोथ तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, तो ग्रोथ तो हम करना ही चाहते, ये तीसरी साइड है फाइनेंस, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की पॉलिसी की। अब ग्रोथ अगर करेंगे तो माशाल्लाह ग्रोथ हर चीज को खत्म करती है, डेट को भी खत्म करती है, डेफिसिट को भी खत्म करती है, आमदनी भी बढ़ाती है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाती है। बट ग्रोथ की तरफ तो हमारा डायलॉग, हमारा डिबेट ही नहीं आती। नदीम, ये इसलिए हो सकता है कि हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव नहीं है, बल्कि मॉरल पर्सपेक्टिव है। और मॉरल पर्सपेक्टिव में कफायतचारी बड़ी अच्छी चीज है, है ना? वो ये आप जो है इनको बहुत ज्यादा इनकी तारीफ करें, मुझे तो नहीं समझ आता। मेरा तो ख्याल है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री या हमारी हुकूमत में जो कि एक वैल्यू ही नहीं करती पॉलिसी मेकिंग को, जो एक निजाम ही नहीं बनाती पॉलिसी मेकिंग को, जो कोई इकोनॉमिक रिसर्च का इदारा ही नहीं बनाती, जो अपने आप को मॉनिटर नहीं करती, अपने आप को एवेल्युएट नहीं करती, वो मेरा नहीं ख्याल के मॉरली कोई काम कर रही है। वो तो एक निजाम चला रही है, पता नहीं किस तरह, किसके मुफाद, कैसे, मुझे नहीं पता। बट मुझे जो हैरानगी होती है, जिस वजह से मैं आपसे आज ये बात करना चाह रहा था, कि निजाम 40 साल से चल रहा है, हर हुकूमत डिक्टेटर या डेमोक्रेटिक निजाम चलाती रही है, पर हमारे जो मुफक्किर हैं, आपके जैसे लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट, आप इन चीजों की बात ही नहीं कर रहे। आप लोग समझो, मैं आपको आपके खिलाफ बड़ी सख्त किस्म की आज ये इतिजाज। नदीम, मैं ये कह रहा हूं कि वो चाहे लोग सोच रहे हों या ना सोच रहे हों, वो किसी ना किसी कोई ना कोई एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क जरूर उनके जहन में होता है। ये सही कह रहे हैं। और अगर ये आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क हो, ये मॉरल फ्रेमवर्क हो कि कफायतशारी बड़ी अच्छी चीज है, तो आप उसके ऊपर जो है बस चलते रहते हैं। चले फिर आज इस तरह करते ना, कफायतशारी तो हमने समझ ली है, ठीक है। अब इस कफायतशारी को जरा प्लीज, ये ऑस्टेरिटी जो ऑस्टेरिटी की पॉलिसीज है, आप खुदारा इसके खिलाफ लिखें, आप खुदारा ऑस्टेरिटी लोगों को समझाएं कि ये क्या होती है। बजट का वक्त आ रहा है और इस बजट को आप बड़ी कड़ी नजर से देखें कि ये ऑस्टेरिटी वाला बजट है कि नहीं। मैं आपको पहले से पेशीन गोई कर रहा हूं, ये ऑस्टेरिटी वाला बजट फिर होगा। इवन दो ये इलेक्शन के खर्चे करना चाहते हैं, और करें जरूर करेंगे, और करना भी चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक निजाम में होता है। पर मेरा ख्याल है वो बात जो केन्स ने कही थी लॉन्ग टाइम अगो, कि जो भी पॉलिसी मेकर, जो भी कोई हो, जो भी बात करता है, वो किसी पुराने इकोनॉमिस्ट की बात सुन रहा होता है, ठीक है। तो ये लोग भी पुरानी चीज में फंसे हुए हैं, जो कि हम 40 साल से फंसे हुए हैं, कि जी जो हर फाइनेंस मिनिस्टर एक ही चीज करता है, ऑस्टेरिटी को फॉलो करता है। ऑस्टेरिटी का तोड़ क्या है, वो अगली बारी बात करेंगे। पाकिस्तान में अवाम के ऊपर बेपनाह टैक्सों का बोझ है। तकरीबन 70 किस्म के तो विदहोल्डिंग टैक्सेस लिए जाते हैं, जिनके बारे में अवाम को पता भी नहीं है। इस तरह अगर आप देखें तो इस टैक्स के निजाम के अंदर ना तो हुकूमत को अपने ज़रूरी वसाइल ही मयसर होते हैं, और दूसरी तरफ इसका बहुत बुरा असर हमारी मईशत पर होता है,
जो इस वक्त हमें नुकसान हो रहा है उसका एक बड़ा मजहर ये बात है कि हमारी तरक्की की शरह 4% से नहीं बढ़ रही, जबकि आबादी के लिहाज से हमें हर साल 12 लाख नौकरियां तो सिर्फ यंग लोगों के लिए ही हासिल करनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम टैक्स के निज़ाम को फ्लैट रेट यकीनी और सादा बनाएं, जिसके नतीजे में ना सिर्फ यहाँ तेज़ रफ्तार तरक्की होगी बल्कि लोगों को बजट और सरमायाकारी के जरिए मईशत को आगे ले जाने का मौका भी मिलेगा। एक अवाम एक टैक्स फेयर टैक्स। रेडियो प्रोग्राम में स्टूडियोज में मौजूद मेजबान मेहमान और सामेईन की जानिब से किए गए इजहार ख्याल की तमाम तर जिम्मेदारी फर्द वाहिद पर आयद होती है, इदारे का इनकी राय से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। FM 100.